नमस्कार, इन बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी DHL, यह कोरियर कंपनी है। इस कंपनी में गाड़ियां चलाने वाले तकरीबन सैकड़ों ड्राइवर को नागपुर DHL के मैनेजमेंट द्वारा ड्राइवरों के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्हें बार बार अलग अलग कारण देकर प्रताड़ित किया जा रहा है और ड्राइवरों को लगातार अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की यह रिपोर्ट। देश की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी DHL, ये वो कंपनी है जो कोरियर कंपनी भी है। इस कंपनी में 2000 के आसपास गाड़ियां हैं और उतने ही ड्राइवर काम करते हैं। 14 नवंबर को ट्रक ड्राइवरों ने गाड़ी खड़ी कर दिया था और काम भी बंद कर दिया था। पूरे देश में DHL के मुंबई, दिल्ली, अंबाला, कलकत्ता, नागपुर आदि जगहों पर DHL के ऑफिसेस है। वहां पर भी ड्राइवरों ने मैनेजमेंट से तंग आकर गाड़ी खड़ी कर काम बंद कर दिया। नागपुर के ड्राइवरों से जब हमने बात किया तो उन्होंने DHL कंपनी के मालिक की तो खूब प्रशंसा की, लेकिन DHL कंपनी का जो मैनेजमेंट चल रहा है और मालिक ने जिन्हें पूर्ण रूप से अधिकार दिए हैं, ऐसे मैनेजमेंट में काम कर रहे मैनेजर से लेकर कुछ कंपनी के अधिकारी आए दिन ये तमाम ड्राइवरों को अलग अलग कारणों से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे ये तमाम DHL के ड्राइवर काफी परेशान है। इस कंपनी के मैनेजमेंट चलाने वाले से परेशान होकर कई ड्राइवरों ने अपना जॉब भी छोड़ दिया है। DHL मैनेजमेंट पुराने ड्राइवरों को निकालकर कम पैसे में दूसरे ड्राइवर को रखने का काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर इन्होंने स्ट्राइक किया है। आखिरकार ये पूरा मसला क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सफर पे जाते हैं तो दो दो ड्राइवर रखा जाता है। दो ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए क्यों रखा जाता है? क्यों एक ड्राइवर सफिशिएंट नहीं होता? नहीं जी, इनका कंपनी का लॉन्ग रूट रहता है, ऑल इंडिया गाड़ी चलती है जी। ऑल इंडिया, आज समझ लो दिल्ली से बेंगलोर जाना है, लंबा सफर है, इसमें दो ड्राइवर जरूरी है। कंपनी ने अपॉन की है, लेकिन कंपनी ने इसके पहले भी रूल रखा था कि चेंज ओवर होना हर 500 किलोमीटर में दो ड्राइवर रहते हैं तो चेंज ओवर रहता है। हम 1000 किलोमीटर पर चेंज ओवर करते, लेकिन कंपनी का इतना प्रेशर है कि तुमको चेंज ओवर नहीं मिलेगा, तुम डायरेक्ट गाड़ी लेके जाओ। तो ये एक कंपनी का गलत फैसला है, उसमें ड्राइवर की जान भी जा सकती, कभी नींद नहीं होती है। आज दिल्ली से लेके बेंगलोर तक कम से कम 2200-2300 किलोमीटर का सफ़र है। इतने सफ़र में ड्राइवर, इनको 50 घंटे 52 घंटे का समय दिया जाता है, उतने समय में गाड़ी नहीं पहुंचती। अगर ड्राइवर ने इस पर कुछ सवाल उठाए तो मैनेजमेंट इन पर प्रेशर डालती है, या तो कहीं इनका कॉल लॉक कर देंगी, ड्यूटी से निकालने की धमकी देंगी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी। यदि यदि आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया और आपकी मांगे पूरी तरह से मंजूर नहीं की तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हम गाड़ी चलाएंगे नहीं गाड़ी, क्योंकि हमारे पहले मांगे पूरी करो, बाद में आप गाड़ी चलाना शुरुआत करो। और जब तक पुराने वर्कर को काम पर नहीं लिया जाएगा तब तक नई भर्ती मत लो। अभी ये क्या कर रहे, पुराने लोगों को निकाल के फेंक रहे और नई भर्ती ले रहे और नई भर्ती से गाड़ी चला रहे, तो ये हम नहीं चलने देंगे। जो हमने इतने दिन से मेहनत किया, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, तो हमारा क्या प्रूफ है? नया कोड नहीं लेंगे और नए पेमेंट में काम नहीं करेंगे हम। पुराना जो कंपनी का पेमेंट है उसी में काम करेंगे और पुराना ही कोड में काम करेंगे। हमारा कोड खुलवाया जाए, हमको ड्यूटी पर लिया जाए और अपनी गाड़ी चलाने की शुरुआत की जाए। इस स्ट्राइक में तकरीबन सैकड़ों ड्राइवर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अलग अलग समस्याएं इन बिसिन के समक्ष रखी। उनका यह मानना है कि अच्छे डीजल माइलेज देने का कंपनी का हमेशा ही उनके ऊपर में प्रेशर बना रहता है। इतने नहीं तो गाड़ियां पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किए जाने से काफी मुसीबतों का सामना इन ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय करना पड़ता है। गाड़ियां पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होने की वजह से गाड़ियों का माइलेज भी कम आता है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है और 1 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा भी इन ड्राइवरों का कहना था। इतने नहीं तो बड़ी कंपनी होने के बावजूद इन ड्राइवरों का प्रोविडेंट फंड भी नहीं काटा जाता है, या ये कहें कि कुछ ड्राइवरों का ही, मर्जी के ड्राइवरों का ही प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। लंबे समय के बाद 24 घंटे रेस्ट टाइम दिया जाता था, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी चलाते समय दो ड्राइवर देने के बावजूद रेस्ट टाइम नहीं मिलता। ड्राइवर लगातार 70 घंटे तक गाड़ियां चलाते हैं। उन्होंने इस विषय को लेकर कई बार
डीएचएल के प्रबंधक को जानकारी दी, मगर पूरी तरह से मैनेजमेंट ने अनदेखी कर इन ड्राइवरों को इनकी मांगों को दरकिनार कर दिया। उसके बाद ड्राइवरों ने इस विषय को लेकर उनके ऊपर में जो समस्या बनी है उस समस्या को न्याय मिलने के लिए देश के अलग अलग कोने में डीएचएल के ये तमाम ड्राइवरों ने एक ही समय में काम बंद आंदोलन किया। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इन्हीं ड्राइवरों ने इससे पहले 14 नवंबर को स्ट्राइक की थी, जिसके चलते वो स्ट्राइक खुल गई थी, लेकिन फिर से मैनेजमेंट द्वारा ड्राइवरों को प्रताड़ित किए जाने से फिर से एक बार ड्राइवरों ने काम बंद आंदोलन किया है। हमेशा ही नागपुर के कंपनी ड्राइवर पर लगातार अन्याय अत्याचार होने की खबरें आते ही इनबीसीएन की टीम जब इन ड्राइवरों से मिली तो उन ड्राइवरों ने अपनी तमाम आपबीती इनबीसीएन के समक्ष बताई। ड्राइवर की बात सुनने के बाद जब हम इस कंपनी के मैनेजमेंट के मैनेजर राहुल श्रीवास्तव से बात करना चाहा तो उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम ऐसे जगह पे खड़ी है जहां पे डीएचएल स्मार्ट ट्रैकिंग ये जो वाहन है इसके तकरीबन 360 ऐसे कामगार हैं जिनका आज पूरे भारत वर्ष में इस प्रकार के आंदोलन प्रोटेस्ट इस डीएचएल स्मार्ट ट्रैकिंग कंपनी के अगेंस्ट में है। इसी क्रम में आज ये लोग वाड़ी में भी आ चुके हैं और इन लोगों की क्या बातचीत है हम जानना चाहेंगे। ये तमाम ड्राइवर लोग आज 35 से 40 की संख्या में यहाँ पे उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि किस तरह का आपको डीएचएल ये जो अब जो बड़ा वाहन है जो आप दूर दराज तक लेके जाते हो, क्या तकलीफ आपको है, क्या कहना चाहोगे? तकलीफ ये है, अभी कोरोना के महामारी में 2 महीने का अप्रैल का और मई का सैलरी नहीं दिया। सभी ड्राइवर वाहन चालकों को सैलरी मिलना चाहिए और जिनके कोड लॉक किए हैं कोरोना के महामारी में उनके कोड चालू करना चाहिए। मेरा कंपनी से ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल क्लेम गाड़ी एक्सीडेंट होने पे ड्राइवर का जो मेडिकल क्लेम कटता है उसका उपचार के लिए पैसा नहीं मिलता है, कंपनी जो पैसा काटती है। इसकी मांग है कि आपके मेडिकल उपचार के लिए समय पर पैसा मिलना चाहिए। सर, जो डेट दी जाती है, कार्ड दिया जाता है मोहरिया का, जो हमारे मतलब भी ग्रुप का रहता है, पर जो डेट दी जाती है उस डेट के हिसाब से मतलब भी कोर्ट लॉक नहीं करना चाहिए। ये हमारी मांग है कि जब तक के डेट दी जाए तब तक के अगले को ड्यूटी दी जाए। मेरा डीएचएल कंपनी के मैनेजमेंट से यही कहना है कि भाई लोग, जो आपने पेमेंट में भत्ता लगा के दिया वो सफिशेंट नहीं है। आज 50 रुपये में अगर जिन्होंने इंक्लूड करके दिया है तो कोई ड्राइवर का पेट नहीं भरता है। इसमें भत्ता जो भी है रेगुलरी जहाँ भी देते हैं वो हिसाब से भत्ता देना चाहिए, सही पेमेंट देना चाहिए। और रही बात, हमारे कई ड्राइवर भाई लोग रास्ते में फंसे रहते हैं, ये मैनेजमेंट ऐसी है कि कोई जवाब नहीं देती। बेचारे भाई लोग फ़ोन करते एक एक दिन दो दो दिन खड़े रहते हैं, ये मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं देती। ऊपर से डीजल तो पहले ही कम देते, डीजल लिया तब भी ये एवरेज मांगते हैं तो ये एवरेज मिलता नहीं। आज ऑल इंडिया में मालूम है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 32 फुट कंटेनर चल रहे हैं, उनका क्या एवरेज है? ये गाड़ी एवरेज बढ़ा के मांग रहे हैं मैनेजमेंट, जो कि गाड़ी पहुँचती नहीं है। ड्राइवर रास्ते में डीजल मांगता है, दो दो दिन लग जाते हैं डीजल देते हैं, डीजल देने के बाद भी उनके पेमेंट में से पैसा काट लेते हैं, ये गलत है, तो ये सुधार होना चाहिए। तो मेरा नाम इनायत खान है, मैं डीएचएल में जॉब करता हूँ और मैं डीएचएल से मांग ये रखता हूँ कि लॉकडाउन के चलते जो ड्राइवर भाई घर पे बैठे थे और वो कहीं और ड्यूटी भी नहीं कर पाए और कुछ ड्राइवरों का कोड लॉक हो गया है कंपनी द्वारा, तो मेरा डीएचएल कंपनी से कहना है कि जिनका कोड लॉक हो गया है उनका कोड चालू कर दें और जो लॉकडाउन के चलते जो घर पे बैठे थे पेमेंट नहीं दी कंपनी ने उनको पेमेंट दे। अरे पूरा नहीं देती तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे, 2 महीने से घर पे सारे ड्राइवर बैठे हैं तो पूरा पेमेंट अगर नहीं दे सकती तो थोड़ा बहुत दे कि अभी जैसा चले गाड़ी तो हम लोग घर पे राशन भर सके और घर के जो अपने लोग हैं उनका राशन पानी भर के हम 1 महीना तक ड्यूटी कर सके। मैं इनायत खान, डीएचएल स्मार्ट ट्रैकिंग के ओर से जिस प्रकार का ये जो कामकाज हो रहा है, ये अगर ये जो वाहन जो चल रहा है इन्हीं
ड्राइवरों के बदौलत चल रहा है, मगर अफसोस के आए दिन जिस प्रकार से ड्राइवरों पर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इन लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। जहां DHL का प्रशासन इनकी मांगों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहा है, जबकि ये कंपनी जर्मनी की है, जर्मनी से काफ़ी इनको सुविधाएँ दी गई थी, लेकिन ये इस राज्य का जो मैनेजमेंट है DHL का, वो पूरी तरह से इन लोगों को अनदेखी कर रहा है और इनको कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये देश को आज़ाद हुए भले ही 70-75 साल का वर्ष बीत चुका हो, लेकिन आज भी शहर की जनता का ये जो ड्राइवर जो है, जो एक स्थान से गंतव्य स्थान तक जो माल के आवागमन जो करता है, आवाजाही जो करता है, लेके जाता है, दिन रात गाड़ी चलाता है, ऐसे ड्राइवरों के तरफ पूरी तरह से अनदेखी करने का काम ये DHL जो कंपनी है ये बड़ी पैमाने पे कर रही है, जिसके चलते ये लोगों के ऊपर भूखे मरने की नौबत आई है। एक तरफ कोरोना वायरस को लेके उसका प्रादुर्भाव रोकने के लिए केंद्र हो या राज्य सरकार, इन्होंने लॉकडाउन जारी किया है, लॉकडाउन में भी ये लोग घरों में है, ऐसे में कुछ लोगों का उन्होंने कर्मचारियों को भी निकालना शुरू कर दिया है और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है, वरना इस आज़ाद देश के ये ड्राइवर आज भी आज़ाद है या नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या हो फिर कोई परिवहन मंत्री, इस ओर ध्यान दे और DHL को सबक सिखाए। कैमरा पर्सन सुभाष गुठले के साथ संजय मुरे, NBC News नागपुर।